सुनाली बेटा, बेटा अपने को संभाल। सच ये है कि नाहर बनना हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके। तेरी आंखें तुझे वो झूठ दिखाने की कोशिश कर रही हैं बेटा, जो तेरा दिल देखना चाहता है, लेकिन वो सच नहीं है बेटा। यही सच है मन्नु भाभी, यही सच है। मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैंने कोई सपना नहीं देखा है। मेरी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल रही है मन्नु भाभी, वो नाहर है। मैंने अपने हाथों से उन्हें महसूस किया है मन्नु भाभी, वो नाहर है। कैसे मान लूं तेरी बात बेटा, कैसे मान लूं तेरी बात, जबकि सारी दुनिया के सामने नाहर। आप चलिए मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लीजिए मन्नु भाभी, आपको यकीन हो जाएगा वो नाहर है। मन्नु भाभी मैंने देखा, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखा दूं। गुरु माँ, सलोनी नाम की एक महिला आपसे मिलना चाहती है। मना कर दो उसे, धक्के मार कर निकाल दो। गुरु माँ, अंदर कैसे आए तुम? आखिर क्या चाहती हो तुम? गुरुमा, गुरुमा सिर्फ एक बार इन्हें नाहर से मिलने दीजिए। आप नहीं मानती कि वो नाहर है, क्योंकि आपने नाहर को नहीं देखा। ये आपको बता देंगे कि वो मेरे नाहर है, ये उन्हें पहचानेंगे। एक बार इन्हें मिलने दीजिए ना। खबरदार, जो स्वामी जी से जबरदस्ती कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, वो मेरा बेटा है और इस मठ का महंत। इसके अलावा उसका इस दुनिया में किसी से कोई भी रिश्ता नहीं है। गुरुमा, गुरुमा एक बार मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार इन्हें मिलने दीजिए। मैं आपकी पैर पड़ती हूँ गुरुमा, प्लीज इन्हें मिलने दीजिए नाहर से, प्लीज गुरुमा, प्लीज। गुरुमा, इस समय सलोनी बहुत बुरी स्थिति में है, सच और धोखे का फर्क जाने बिना यहाँ से नहीं जाएगी। मैं विनती करती हूँ, बस एक बार स्वामी जी को हमारे सामने ले आइए, एक बार। मैंने मना किया ना? क्यों बार बार मना कर रही हैं? ये आश्रम तो लोगों का दुख दूर करने के लिए है ना, तो फिर आपको सलोनी का दुख क्यों नहीं नजर आ रहा? ये क्या पागलपन है? अगर पागलपन है तो भी पागलपन को दूर करना भी बहुत जरूरी है ना। बस आप एक बार स्वामी जी को इसके सामने ले आइए, फिर मैं वादा करती हूँ मैं इसे समझाऊंगी ये यहाँ कभी नहीं आएगी, एक बार। तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? जब से मेरे बेटे ने साधना शुरू की है, मेरे अलावा उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया है। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा काम करे जिससे उसकी साधना में विघ्न हो। एक बार ये गलती इस औरत ने की है, अब दोबारा ऐसा होकर अपने बेटे की बरसों की तपस्या को मैं खतरे में नहीं डाल सकती। साधना पूरी होने तक वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगा। गुरुमा, सिर्फ एक बार की तो बात है, एक बार इन्हें देखने दीजिए ना। ये संभव नहीं है। गुरुमा ठीक कह रही है। हम किसी के पति नहीं हैं, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। आप लोगों से विनती है, आप लोग यहां से चले जाएं। हमारे ध्यान का समय हो गया है, हमें जाना होगा। ये नाहर है गुरुमा, ये नाहर है, एक बार मिल लीजिए, एक बार गुरुमा। देखा, मैंने कहा था ना वो नाहर ही है। गुरुमा, एक बार इन्हें मिलने दीजिए।
मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं मर जाऊंगी गुरुमा, प्लीज हमें मिलने दीजिए उनसे। बस तुम्हें लगता है कि हम झूठ कह रहे हैं? आओ मेरे साथ। बाबा इन्हें समझाइए जरा, इसके पति ने दुनिया के सामने जल समाधि ले ली है और अब ये कह रही है कि मेरा बेटा अमृत ही उसका पति नाहर है, और तो और ये भी इसका साथ दे रही है। बाबा इन्हें समझाइए कि अमृत मेरा ही बेटा है। बेटी ये सही कह रही है, हो सकता है तुम्हारे पति और अमृत की शक्ल एक ही हो, पर दोनों इंसान अलग अलग हैं। एक वर्ष का अमृत था जब ये उसे लेकर इस आश्रम में आई थी, तब से लेकर आज तक अमृत यहीं मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। वो तुम्हारा पति नहीं है बेटी। नहीं बाबा, मुझे धोखा कैसे हो सकता है? वो मेरे पति नाहर है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कौन तुम पर संदेह कर रहा है बेटी? तुमने तो इतनी बड़ी चोट खाई है, तुम भला क्यों दूसरों को दर्द देना चाहोगी? तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही सोचता है। तुम्हारे मन के संकट का निवारण आवश्यक है बेटी। मैं अपने इष्ट देव की कसम खाकर कहता हूं कि वो तुम्हारा पति नहीं, अमृत है। ईश्वर की भक्ति में लीन ये वृद्ध भला अपने इष्ट देव की झूठी शपथ क्यों खाएगा बेटी? अब तो यकीन हो गया है ना तुम्हें? भगवान के लिए मेरे बेटे के तपस्या में ड्रोड़े डालना बंद करो और चुपचाप चले जाओ यहां से। खबरदार जो दोबारा यहां आसपास भी नजर आए। तेरे पति ने जल समाधि ली है, इस सच्चाई को अपनाओ और चले जाओ यहां से। एक वर्ष का अमृत था जब ये उसे लेकर इस आश्रम में आई थी, तब से लेकर आज तक अमृत यहीं मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। मैं अपने इष्ट देव की कसम खाकर कहता हूं कि वो तुम्हारा पति नहीं, अमृत है। तेरे पति ने जल समाधि ली है, इस सच्चाई को अपनाओ और चले जाओ यहां से। कि वो तुम्हारा पति नहीं, अमृत है। Ha ha ha!
सलोनी बेटा, बेटा संभाल अपने आप को। नार बन्ना हमें छोड़ के जा चुके हैं और ये सच, इस सच से मुंह नहीं छुपा सकते हम बेटा। क्यों किया था हमने ऐसा जब वो ठीक हो रहे थे? क्यों तोड़ दिया कसम? क्यों छोड़ दिया मेरा साथ? क्यों? रो ले बेटा, रो ले, तुम मैं आज रोकूंगी नहीं तुझे। निकाल ले अपने दिल का सारा गुबार, बहने दे अपने सारे दुख दर्द। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरी कोशिशों में मनोभाव में, जो ने मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। क्यों उठ गया मुझ पर से विश्वास उनका? मैं नहीं जी पाऊंगी नार के बिना मनोभाव भी, मैं नहीं जी पाऊंगी नार के बिना। ना बेटा ऐसे नहीं कहते, मैं चली जाऊंगी उनके पास। ना बेटा मनोभाव मैं चली जाऊंगी नार के पास। ना बेटा ऐसे नहीं कहते, मैं नार के पास चली जाऊंगी। सलोनी, सलोनी, सलोनी रुक जा बेटा। मौत एक ऐसी सच्चाई है, उससे पलटना इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है, और वरुण ने मुझे दवा दी है ना, काफी है मेरे लिए। सलोनी, मेरी मौत तय है, तुम इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो? सलोनी, मैं अपनी जिंदगी की खातिर तुम्हें बार बार अपमानित होते नहीं देख सकता। Ah
को लेकर ही कुछ करना है मैंने, आप कुछ कीजिए। आप यहाँ से हटिए। मन्नू भाभी मेरे नार चले गए, मुझे अकेला छोड़ चले गए, मेरा सुहाग चला गया। मन्नू भाभी उन्होंने भले ही रिश्ते की लाश ना रखी हो मन्नू भाभी, लेकिन मैं रखूंगी। मैं नाहर से मेरा रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। जीवन भर सात फेरों का ये बंधन मैं निभाती रहूंगी नाहर की विधवा के रूप में। हाँ मन्नू भाभी, मैं ये रिश्ता निभाऊंगी, मैं ये रिश्ता निभाऊंगी। बेटा ये टिकट, थोड़ी देर में बस छूटेगी, मैं पानी लेके आती हूँ। भाई साहब ये होटल शिवकुंज कहाँ होगा? वो यहाँ से दाई तरफ है लेकिन थोड़ा दूर है। थैंक यू। We'll be right back.